क्या? नाम क्या है तेरा? कल तू भागा क्यों? ये भी भा देगा क्या? क्यों, ये तुझे पसंद नहीं? इसे मैं रख लूं? ये तूने बनाया है? ये क्या बनाया है? तू यहीं रहता है क्या? मेरा नाम गुड्डू, तेरा नाम क्या है बोलना। ये तो चूहे जैसा है। मन्नू। और क्या कर रहा है? ना बना रहा हूँ। ये तू है? ये कौन है? अरे तुझसे ही पूछ रहा हूँ, बता ना। मन्नू, ए मन्नू, अरे मन्नू बेटा आना अंदर। और मनु कहां से खेल के आ रहे हो बेटा? हमारे साथ नहीं खेलोगे? आजा, आजा बेटा। जाओ बेटा, चाचा है तुम्हारे। शर्माओ मत मनु बेटा, आ जाओ, आजा 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 आजा। भाभी जी आप इसकी पढ़ाई की चिंता बिल्कुल ना करें। हम है ना, भैया भी तो हमारे सगे भाई जैसे थे और मनु भी तो हमारे बेटे जैसा है। क्यों, अरे मनु। इनके जाने के बाद तो अब शहर में कुछ बचा नहीं हमारा, बस ये घर ही बचा है। आप निश्चिंत रहे, हम है ना सब देख लेंगे। अच्छा अब हम चलते हैं। जी नमस्ते भैया। ठीक है मनु। भैया आए हैं तो चाय पीकर ही जाते। नहीं भाभी, फिर कभी, वैसे भी अब तो आना जाना लगा ही रहता है। हाँ मनु के लिए कुछ लेके आए थे। लो मनु। नहीं। ले लो बेटा, बड़ों को मना नहीं करते, ले लो।
ये क्या है? ये मैं राक्षस के लिए बना रहा हूँ। राक्षस? जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं और वो बाल पकड़कर घसीटकर ले जाता है और बच्चों को खा जाता है। बहुत साल पहले यहाँ एक राक्षस रहता था, उससे सब डरते थे। उसने गांव के सारे बच्चों को खा लिया और वो झिरी के पास गया बच्चे खाने। उसने सारे कमजोर बच्चों को खा लिया और लेकिन फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई। वो वापस से शिकार पर निकल पड़ा और उसने एक बच्चे को पकड़ लिया। उस बच्चे ने उस राक्षस से लड़ाई करी और उस राक्षस को अपने पास की एक लकड़ी से मार गिराया। देखो पता भी है वो बच्चा कौन था? मेरे दद्दू। मन्नू, ए मन्नू, जा घर जाकर खेल, मैं भी बाजार होकर आती हूँ, ठीक है? अरे तू कौन है? क्या नाम है तेरा? मैं मन्नू का दोस्त गुड्डू। अच्छा गुड्डू, मन्नू तेरी माँ कहाँ है? बाजार गई है, अभी आती ही होंगी। अच्छा तो बेटा शाम हो गई है ना? तेरे माँ बाप घर पे इंतजार कर रहे होंगे। ये लो तुम्हारे लिए ये टॉफी, लो 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 लो। हाँ और बेटा तुम भी लो लो। अब बेटा तुमने टॉफी ले ली ना, चलो जाओ जाओ घर जाओ और मन्नू को भी आराम करने दो, बहुत थक गया मन्नू। तुम सीधे घर जाओ, ठीक है? घर ही जाना सीधे बेटा। क्या हुआ? मन्नू ये ले, जब भी कोई राक्षस तेरे पास आए तो तू उससे मार गिराना। लेकिन याद रखना, राक्षस को ही मारना, किसी और को मत मारना। तू समझ गया ना? मन्नू तू चल।